जलंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव पर 10 जुलाई को मतदान हुआ था। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने महेंद्र भक्त को मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस ने सुरेंद्र कौर और भाजपा ने शीतल अंगुराल को टिकट दिया था। जलंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव पर आम आदमी पार्टी के महेंद्र सिंह भगत ने जीत हासिल की है। उपचुनाव में चल रही परंपरा इस बार भी बरकरार रही और सत्ता पक्ष के हाथ में ही जीत की चाबी लगी है। महेंद्र भक्त ने पहले राउंड से ही बढ़त बनाए रखी। मतगणना 13 राउंड में पूरी हुई। हर राउंड में महेंद्र भक्त की लीड बढ़ती गई और उन्होंने 37,325 मतों से चुनाव जीत लिया। उन्हें 55,246 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के सुरेंद्र कौर को 16,757, भाजपा के शीतल अंगुराल को 17,921, SAD से सुरेंद्र कौर को 1,242 और BSP के बिंद्र कुमार को 734 वोट मिले हैं। भाजपा के शीतल अंगुराल 7 राउंड में तीसरे नंबर पर रहे। 8वें राउंड में वे दूसरे नंबर पर आए लेकिन आम आदमी पार्टी की लीड नहीं तोड़ सके। वहीं कांग्रेस के सुरेंद्र कौर भी किसी राउंड में बढ़त नहीं बना पाई। उपचुनाव में आपकी जीत पर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मैं जलंधर पश्चिम के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे इस सीट को बड़े अंतर से बरकरार रखने का भरोसा है। लोग आपके साथ हैं। हम पंजाब के लोगों के लिए और उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल लगाकर बहुत बड़ी गलती की थी। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब भाजपा को संविधान बदलने के अपने प्रयासों की कीमत चुकानी पड़ेगी।